हे नमस्कार दर्शक बंधु, मैं सोम हूं। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे कि रात को जो पानी निकालने का बर्ड्स है विंटर सीजन में, उसके बारे में। अभी जो है कि सडन बारिश आ गया है तो टेम्परेचर अभी बहुत ज़्यादा ठंडा है। वेस्ट बंगाल के हर एक इलाके में थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है, धूप भी निकल रहा है। तो बारिश जो हो रहा है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंड है तो बहुत सारे लोगों के बॉक्स में, मटकियों में चिक्स भी है या उनके बर्ड्स है। तो रात को पानी निकालने का बात फिर से आ जाती है जो हम लोग विंटर सीजन में करते हैं। तो अभी क्या ब्रीडिंग सीजन पे जो कुनियर कॉडल का जो ब्रीड ले रहे हैं अभी, जेवर फिंचेस का, क्योंकि समर सीजन में ये लोग ज़्यादा ब्रीड करते हैं, डव बोले तो ऑस्ट्रेलियन डव। तो रात को क्या पानी निकाल दें, सुबह पानी डालें, ये सिस्टम क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा आज बताएंगे आप लोगों को। तो देखिए, मैं जो रात को पानी निकालने का बात है, और कल मैं एक दीपक गोदा का वीडियो देख रहा था, दीपक गोदा ने वीडियो अपलोड किया था, उसमें वो बोल रहे थे कि पानी और दाना दोनों ही शाम के टाइम वो निकाल लेते हैं और सुबह फिर से प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो देखिए, अगर आप एक जॉब वॉब करते हैं या फिर आप लेट नाइट मोबाइल से सर्फिंग करते हैं इंटरनेट, या फिर रात को जॉब से लेट से आते हैं, मूवी वगैरह रात को देखते हैं, सुबह थोड़ा सा देर से उठते हैं 9-10 बजे, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। आप अगर शाम के टाइम या रात के टाइम दाना और पानी निकाल के रख देंगे, सुबह देंगे ऐसा सोच के मान के, लेकिन आप 9-10 बजे 11 बजे अगर नींद से उठेंगे तो आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। एडल्ट बर्ड होगा तो उसके लिए नहीं, बट जो चिक्स है, जितना भी चिक्स है उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए बेस्ट यही है कि आप रात को दाना और पानी ना निकालें। आप सिर्फ पानी भी थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं, लेकिन दाना रहने दीजिए, दाना निकालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप सुबह सुबह उठते हैं नींद से, मतलब कि 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 6:30 बजे तक उठ जाते हैं, तो आप बेफिक्र होकर दाना पानी रात के 9-10 बजे निकाल सकते हैं, या शाम के भी निकाल सकते हैं, तो कोई बात नहीं। बट मैं रात को निकालना ज़्यादा बेटर मानूंगा। अगर बॉक्स मटकी में चिक्स है तो शाम हो जाने के बाद आप रात को 9-10 बजे एक बार रूम का सेटअप का लाइट्स को ऑन कर देना, तो सारे बर्ड्स जो हैं वो एक बार पानी पिएंगे, दाना खाएंगे और अपने चिक्स को फीडिंग करा देंगे। फिर सुबह उठ के 5-6 बजे, 7 बजे आप आराम से दाना पानी चेंज कर देना, फ्रेश पानी डाल देना, सॉफ्ट फूड दे देना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप रात को अगर मोबाइल सर्विंग करते, मूवी देखते, सुबह देर से उठते हैं 10-11 बजे, 9 बजे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेट अगर आप दाना पानी देंगे तो जितने भी आपके चिक्स हैं वो एक्सपायर होने के चांसेस हो जाएंगे। बॉक्स वर्सेस मटकी में कौन सा बेस्ट है, ये सवाल सब लोग न्यू जो बर्ड पालते हैं उन लोग जानना चाहते हैं, या फिर जो पुराने भी है वो भी जानना चाहते हैं। तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है उसके ही रिगार्ड मैं शेयर करूँगा। ये वीडियो शायद मैं एक बार और भी बनाया था, बट ये एकदम अच्छे तरीके से मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूँगा आपको। मतलब मैं जो इतने, मतलब तीन चार साल से मैं बर्ड्स पाल रहा हूँ, तो इतने सालों में मुझे क्या एक्सपीरियंस नॉलेज हुआ ये बताएंगे। देखिए, फिंच के लिए तो ये इस तरीके के बास्केट बेस्ट है, गोल्डन फिंच, लॉन्ग टेल फिंच, स्टार फिंच, जेब्रा फिंच, बंगाली फिंच, बेस्ट है ये, बेस्ट है, इसके ऊपर कोई नहीं जाएगा। बॉक्स बोलिए, मटकी बोलिए, जेब्रा फिंच का, फिंच एक्सोटिक फिंच ग्रुप में ये बास्केट बेस्ट है। प्लास्टिक का बोलिए या बैम्बू का, तो फिंच का काम हो गया, टोटल फिंच ग्रुप का काम हो गया। अभी डाफ के ऊपर बात करते हैं, डाफ का ब्रीडिंग जो लोग कराए हैं या यूट्यूब में कुछ वीडियो देखे हैं, मालूम है वो लोग जो इस तरीके का जो बास्केट होता है, इस तरीके के बास्केट में वो लोग ब्रीड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब जस्ट वन बास्केट, ठीक है, कबूतर जैसा वो लोग ब्रीडिंग करते हैं, और इसके ऊपर वो लोग नेस्टिंग वगैरह करते हैं और ब्रीड करते हैं। चाहे तो आप इस तरीके का बास्केट भी यूज़ कर सकते हैं, ये बेस्ट होगा, इस तरीके का बास्केट, इसके ऊपर ये लोग नेस्टिंग करते हैं और ब्रीड करते हैं। डव जो ऑस्ट्रेलियन डव होता है, अभी उसको आप बॉक्स मटकी ना ही प्रोवाइड करें, इस तरीके का कर देंगे तो बेस्ट है। अभी बात करते हैं दूसरा, जितने भी वैरायटी के बर्ड है, चाहे कुनियर हो, कॉकटेल हो, जावा हो, बजीस हो, लबर्ड्स, ऑल वैरायटी, पैरट ग्रुप, और पैरट ग्रुप में जो आता है, तो मेरे नॉलेज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से मटकी का तो प्राइस कम है, बॉक्स का प्राइस लगभग 10 गुना ज़्यादा होगा। मटकी अगर 20 रुपये का है तो बॉक्स 200 रुपये का होगा, मटकी अगर 10 रुपये का है छोटा मटकी तो वो उस साइज़ का बॉक्स तो 150-100 रुपये का होगा। बजीस का बॉक्स जैसे कि 100-150 का तो होगा ही। तो क्या करें, आप लोग बॉक्स खरीदिए, मटकी खरीदें। तो मैं जो देखा हूँ कि बॉक्स में ब्रीड करना बेस्ट है, थोड़ा बहुत गंदगी को क्लीन करना उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है,
लेकिन बॉक्स बेस्ड है। बॉक्स से ब्रीड करने का फ़ायदा मैं जो बिजनेस में देखा है, बिजनेस में आप लोग देखे होंगे कि कीचड़ कीचड़ जैसा हो जाता है जब बेबी होता है, वो पॉटी करते हैं ना, गंदगी हो जाती है, एक दो दिन बाद क्लीन करना पड़ता है। अगर आपको ठीक तरीके से वेंटिलेशन आपके केज या कॉलोनी में नहीं मिलता है तो वो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। लेकिन बॉक्स से अगर आप ब्रीड लेंगे बॉक्स में, तो ये प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाता है। क्योंकि बॉक्स में मैं देखा हूँ, अगर बर्ड्स को थोड़ा बहुत डायरिया है, गीला गीला पॉटी कर रहा है, तो बॉक्स का जो उड़न नीचे का है या कुछ होता है तो वो सोख लेता है, तो उतना ज़्यादा गंदगी, या बॉक्स का नीचे उतना ज़्यादा गंदगी नहीं होता है। कोनूर का ब्रीडिंग बॉक्स में चिप्सी जो नेस्टिंग मटेरियल है, मैं अमेजोन का लिंक याद रहा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो जो चिप्सी है, चिप्सी जो पाइन का उड़न शेप उड़न का ये है, तो वो डालने से कुनूर में, या जो पाटकाठी है ये डालने से क्या होता है, जितना भी पॉटी वो लोग करते हैं नीचे सोख लेती है, ठीक है। लेकिन मटकी में वो फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। कॉकटेल में भी सेम, लबर्स में भी सेम। लबर्स का हालांकि कोलकाता में ज़्यादा लोग बॉक्स से ही ब्रीड लेते हैं, क्योंकि मटकी में एक प्रॉब्लम होती है लबर्स को, लबर्स का जो पैर है वो टेढ़ा हो जाता है। बजिस की अब आप लोग देखे होंगे, बजरीगर कॉकटेल लबर्ड की मटकी में जो लोग ब्रीड कराते, नेस्टिंग मटेरियल अगर कम हो जाए तो मटकी जो है कि इस तरीके का होता है, तो नेस्टिंग मटेरियल अगर कम हो जाए तो उसका जो बेबी होता है, बेबी का पैर थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, मतलब पैर थोड़ा मुड़ा मुड़ा होता है। अभी देखिए, बहुत लोग आपको बोलेंगे कि भाई नहीं नहीं अब बॉक्स में ब्रीड मत कराओ, क्योंकि बॉक्स में प्रॉब्लम हो जाती है, जो फीमेल हैच करती है, ब्रूड करती है फीमेल अंडे के ऊपर जब बैठी हुई थी, कॉकटेल हो, बजरी हो, लबर्ड हो, कोनूर हो, कोई भी, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो बॉक्स बनाते हैं नीचे का जो हिस्सा है वो ऐसा फ्लैट होता है, समान होता है पूरा, ठीक है, ऐसा राउंड शेप का थोड़ा नहीं होता है, ऐसा समान होता है, तो इससे क्या है, अंडे इधर उधर बिखर जाते हैं। बहुत लोग आपको ये एडवाइस देंगे कि अंडे इधर उधर बिखर जाते हैं, बर्ड्स को हैच करने में दिक्कत होती है, इसलिए मटकी बेस्ट होगा जिसमें इस तरीके का है, मतलब अंडे सब एक ही जगह में होगा, बर्ड आराम से उसको सेंक पाएगा, गर्म कर पाएगा, इनक्यूबेट कर पाएगा। तो ये धारणा काफ़ी हद तक मैं ऐसा सोचता था, बट अभी वो धारणा पूरा गलत निकला, क्योंकि फीमेल जब अंडे को इनक्यूबेट करती है, अंडे के ऊपर बैठी रहती है, तो वो उड़न जो है बॉक्स, वो अगर समान भी हो, फ्लैट भी हो, तब भी आप देखेंगे फीमेल ना अंडों को सबको समेट लेती है, समेट के उसके ऊपर बैठती है। तो इसलिए ये फिगर छोड़ दीजिए, वो फीमेल अपने हिसाब से अंडों को अपने साथ खींच लेगा और अंडों को इनक्यूबेट करेगा, ये धारणा पूरा गलत है। और बच्चों के मतलब कि स्पेस के लिए कॉकटेल का या लबर्ट का जो है मटकी में ब्रीडिंग में स्पेस बहुत ज़्यादा कम मिलता है। बॉक्स में अगर आप ब्रीड लेंगे तो स्पेस ज़्यादा मिलता है, बच्चे इधर उधर जा सकते हैं, बच्चे को अच्छी डाइजेस्ट होती है, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं बस बॉक्स के अंदर ही आराम से रहते हैं, लेकिन मटकी में जगह बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और ऐसा होने के कारण सारा का सारा बर्ड एक ही जगह पर आ जाती है। और एक दिक्कत होती है मटकी में ब्रीडिंग का, वो दिक्कत क्या है कि जितने भी छोटे बच्चे हैं, बजरी में मान लीजिए 5 बच्चा हुआ है, जो छोटा सबसे छोटा वाला बच्चा है वो नीचे दब जाता है, क्योंकि ऐसा होने के कारण मटकी में छोटा बच्चा वो नीचे आ जाता है, और बड़े बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फीड ले लेते हैं अपने माँ बाप से, पेरेंट्स से, तो छोटा बच्चा नीचे थोड़ा दब जाता है, और फीड ना मिलने के कारण वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, फिर वो मुँह उठा के फीड माँ से मांग नहीं सकता, तो उसको माँ ज़्यादा खिलाती भी नहीं है, बड़े बड़े जो सामने ही ज़्यादा खाना मांग लेती हैं उन लोगों को ही खिला के माँ बाप छोड़ देती है, तो ये एक दिक्कत आ जाती है। लेकिन बॉक्स में ये प्रॉब्लम नहीं होता, बॉक्स में फ्लैट होने के कारण क्या है कि हर एक बच्चे थोड़ा इधर उधर बिखर के रहते हैं, मतलब अपना अपना एक एक दूसरे के साथ चिपक के नहीं रहते, थोड़ा पास दूर दूर रहते हैं, तो इससे फीमेल को मेल को फीड कराने में आसानी होती है, वो फीमेल आराम से सबको देख के आराम से थोड़ा थोड़ा करके फीड कराती है, कोई किसी के पास आके ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है। लेकिन मटकी में सब लोग एक साथ आ जाते हैं, फीमेल को फीड करने में दिक्कत होती है, मेल को भी दिक्कत होती है, जो जितने भी थोड़े बड़े बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फीड ले लेते हैं मुंह ऊपर करके, और ऐसे होने के कारण छोटे बच्चे नीचे दब जाते हैं, ये सारे नुकसान हैं मटकियों का। और फ्रेंड्स, मटकियों का और एक नुकसान है कि मटकियाँ कभी कभार फूट सकती है, तोड़ मतलब कि मटकी में मान लीजिए कि थोड़ा हाइट पे कॉलोनी में आपके लगा हुआ है, टूट गया, ठीक है, कील से निकल गया, नीचे टूट गया, अंडे वंडे हैं फिर बच्चे हैं तो वो मर जाएंगे। लेकिन बॉक्स में ये दिक्कत नहीं होता, सेट कर दिए, नीचे अगर गिर भी जाए तो टूटने का चांसेस नहीं है, मतलब अंडे वंडे शायद टूट सकते हैं, बच्चे मरने के या फिर बॉक्स को ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस नहीं होते। और एक रीज़न है कि मटकी में आप देखेंगे जो है कि मटकी को
क्लीन करने में थोड़ा बहुत आसानी होती है, लेकिन बॉक्स को क्लीन करने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है। ये एक बॉक्स में एडवांटेज है, प्रॉब्लम है बॉक्स में, क्लीन करने में बॉक्स में दिक्कत होती है। और बॉक्स में एक है कि बॉक्स को बर्ड ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ने के कारण क्या है, बॉक्स जल्दी जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। मतलब मटकी में भी कूड़ते हैं वो लोग, बर्ड लोग ग्रीड जैसे के लिए कूड़ते हैं, बट बॉक्स में वो लोग ज़्यादा कूड़ते हैं। मैं जो नोटिस किया वो आपको मैं कुछ बॉक्स का हालात दिखाता हूँ, बॉक्स में वो लोग ज़्यादा कूड़ते हैं। तो बाकी यही कुछ है, चलिए कूड़ने वाला बॉक्स भी दिखा देते हैं आपको। ओके, तो आपको ज़रा दिखाते हैं बॉक्स का हालात वो लोग कैसे किए। ये देखिए, ये जो जगह आप देख सकते हैं, ये लोगों ने काट काट के कैसा किया है, मतलब पतला कर दिया है। कभी भी और एक दो बार काटेगा तो उधर से होल हो जाएगा, बर्ड्स निकल के भाग जाएगा। और ये बॉक्स बेकार हो गया, मतलब नेक्स्ट ब्रीड के लिए मुझे इसको रिपेयर करना होगा या फिर बॉक्स को चेंज करना होगा। इस तरीके से इधर से मैं अगर दिखाऊं तो इस तरीके का गड्ढा हो गया है। और ये जो है कि पतला है बहुत, मतलब थोड़ा और काटेगा तो बहुत बड़ा होल हो जाएगा, बर्ड भाग जाएगा। इसके लिए मुझे रेडी रखना होगा, हर एक टाइम मुझे नज़र रखना होगा। बच्चे थोड़े बड़े हो जाए फिर मैं बॉक्स को चेंज कर दूँगा, रिपेयर कर दूँगा। तो बंधुओं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना और शेयर करना आपके सारे दोस्तों के साथ। नीचे ऐसी मज़ेदार वीडियोस में देखते रहिए फिट सिंपायर। जय हिंद।